देहरादून में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते सर्दी जुकाम के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दून हॉस्पिटल पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन द्वारा फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है, जहां ठंड की चपेट में आकर बीमार हो रही मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं दून हॉस्पिटल की CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज़्यादा देर तक ठहरता है, जिसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चों में वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू ओपीडी में ज़्यादा मरीजों का आना नहीं हो पा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, देखिए ओपीडी कोई हमारी बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ी है ऐसी बात नहीं है, जो नॉर्मली जाड़ों में जिस तरह की ओपीडी रहती है। लेकिन हाँ, जाड़ों में जिस तरह से पोल्यूशन हवा में, ठंडी हवा में ज़्यादा देर ठहरता है, उस कारण से एक तो बड़ी उम्र के लोगों में जिनको पुरानी बीमारियाँ हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें वायरल डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ फ्लू ओपीडी भी चलाई है, तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा मामले नहीं बढ़े हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे एक रूटीन में पेशेंट आते हैं, उनकी अगर हमें लगता है कि फ्लू की जांच या कोविड की जांच करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं, तो उसमें एक दो केस इस तरह के पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी लगभग सभी मरीज़ अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं।